हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। जीएस पेपर 4 जो कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है एथिक्स का, आज मैं उसका पार्ट 6 लेकर आई हूँ, एटीट्यूड, जो कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित होता है। हम लोग UPPSC मेंस 2018 की तैयारी कर रहे हैं। एथिक्स का जो सिलेबस है वो UPSC और UPPSC दोनों के में सेम है, तो आप दोनों ही ये वीडियो देख सकते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर राइटिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंटर्स दिए हैं और इसको एक्सप्लेन किया है शब्दों में अपने। तो जो एथिक्स का पेपर है उसमें मेनली हमारा जो मकसद होता है वो हम होता है कि हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स इनपुट कर सकें। एग्जाम्पल आप जितना पुट करेंगे अपने आंसर में उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना ही एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा। एक चीज़ और, जो भी आप एग्जाम्पल उसमें डालें अपने आंसर में वो धरातल से जुड़े हुए होने चाहिए। ये मैं बार बार हर एक वीडियो में आप लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल हों वो आदर्श एग्जाम्पल ना होकर आपकी लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल होने चाहिए। मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल ना डालें जिसको जो संभव ही ना हो, जो पॉसिबल ना हो, ऐसे एग्जाम्पल आप एथिक्स में ना डालें। और मैं एग्जाम्पल हर एक पॉइंट्स में आपको समझाती जा रही हूँ साथ के साथ कि इसमें इस टाइप के एग्जाम्पल आप पुट कर सकते हैं। तो और हमने नई सीरीज शुरू की है, काफ़ी सारी GK वन लाइनर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की, मेंस की GS पेपर 1 और हिस्ट्री का तो चल ही रहा है साथ के साथ। तो हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करियर बनाने में बहुत ही मदद करेंगी। साथ में के साथ ही वीक में एक बार मोटिवेशनल वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि आप लोग तैयारी करते समय अपना हौसला कभी ना तोड़ें, लगातार तैयारी में जुटे रहें। जिन लोगों का MPPSC मेंस का रिज़ल्ट आया है और नहीं हुआ है उनका, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री जल्द ही होने वाला है। मार्च में प्री होने की संभावना है, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। और MPPSC के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज MP के पेपर का होता है, मैं उसके लिए भी एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जल्द ही। तो होप आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आ रही होगी। इसमें कुछ भी आप लोगों को कमी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम लोग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमें अप्रिशिएट भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज का पार्ट 6 करते हैं। इसमें क्या करना है आगे, हम हमने अभिवृत्ति की परिभाषा देखी थी, उसके पक्ष देखे थे, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की विशेषताएं पढ़ी थी, उसकी संरचना के बारे में जाना था, संरचना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता था इसका देखा था, आनुवांशिक कारकों के बारे में पढ़ाई की थी, सामाजिक व व्यक्तिगत कारक के बारे में देखा था, मनोवृत्ति के कार्य देखे थे, हानियां देखी थी उसकी, व्यवहार और मनोवृत्ति में क्या संबंध है, पारिस्थितिकगत बाधाएं क्या क्या हैं, मनोवृत्ति से जुड़े हुए क्या क्या पक्ष हैं, समय कारक, मनोवृत्ति और विचार में क्या संबंध है, विचारों का मनोवृत्ति पर प्रभाव, मनोवृत्ति का विचार पर प्रभाव क्या होता है। नेक्स्ट, मनोवृत्ति परिवर्तन हमने देखा था, मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, हम कैसे मनोवृत्ति परिवर्तन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता के कारण। अगर कोई इंसान मनोवृत्ति परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन मतलब कि सामने वाले पर्सन का, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना मनोवृत्ति परिवर्तन तो कोई भी इंसान कर सकता है, इतना तो सबको ही पता है। अगर हम चाहें तो हम अपनी मनोवृत्ति, अपने किसी भी वस्तु, किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति हमारे भाव, हमारे विचार, इसी को मनोवृत्ति कहते हैं ना। तो कोई भी पर्सन चाहे तो अपनी मनोवृत्ति में तो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन सामने वाले पर्सन की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना आसान नहीं होता। तो इससे पहले वाली वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था कि मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे किया जा सकता है या कैसे कैसे हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन में, लेकिन आज हम बात करेंगे
कि अगर मनोवृत्ति परिवर्तन करते हैं किसी अदर व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का, तो उसमें किस प्रकार के ऐसे कारक हैं, कौन से कारक हो सकते हैं जो वो मनोवृत्ति परिवर्तन में बाधा डालते हैं या असफलता उत्पन्न करते हैं, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है पूर्व चेतावनी। ये तो ऑब्वियस है, अगर किसी सामने वाले पर्सन की हम मनोवृत्ति परिवर्तन करने जा रहे हैं और किसी अदर पर्सन ने उसे बता दिया कि आपकी इस पर्टिकुलर मनोवृत्ति को वो पर्टिकुलर बंदा परिवर्तित करना चाहता है, तो वो पहले से ही सजग हो जाएगा। उसे पता है कि मैं उससे बात करूंगा तो ये मेरे बारे में, इस बारे में मेरी राय चेंज करने वाला है, या ऐसे ऐसे तथ्य देगा कि मेरी राय चेंज हो जाए, तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा, या पहले से ही वो अपने अंदर ऐसे मतलब कि साक्ष्य बना लेगा या ऐसे तर्क ढूंढ लेगा कि अगर वो ये बोलेगा तो मैं उसका जवाब ये दूंगा। तो अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि मेरी मनोवृत्ति परिवर्तन करने के लिए कोई चेष्टा कर रहा है, कोई करना चाहता है, तो ये मनोवृत्ति परिवर्तन आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाएगा कि मेरी मनोवृत्ति परिवर्तन कोई करना चाहता है, मतलब कि मेरे विचारों को कोई परिवर्तित करना चाहता है, तो उसके बारे में वो पहले ही सजग हो जाएगा, तो वो अपने मन में ही उसके तर्क वितर्क तय कर लेगा, ढूंढ लेगा, तो इस कारण से मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए फोर्स किया जाता है कि आप बस ये चीज़ करिए ही करिए, तो भी उसे सहन नहीं होता, उसे लगता है कि मेरी ये पर्सनल जो भी मेरी चीज़ें हैं उस पर अटैक किया जा रहा है, या फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध ये काम किया जा रहा है, तो ये कारण भी होता है कि वो अपनी मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं करता। जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी दुकान पर जाता है तो किसी एक दुकानदार द्वारा उसको किसी एक वस्तु लेने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अगर किया जाए कि आप ये ले ही लीजिए, तो फिर उसे लगता है कि शायद ये दुकानदार अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो फिर वो मनोवृत्ति परिवर्तन अपना नहीं करता है। किसी दबाव के, बहुत ज़्यादा दबाव होता है, तो इस कारण से वो अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं करता है, और वो जो भी उसका मनोवृत्ति परिवर्तन करना चाहता है, जिसे प्रबोधक संप्रेषणकर्ता कहते हैं, जो मनोवृत्ति परिवर्तन करता है उसे प्रबोधक संप्रेषणकर्ता कहते हैं, तो वो उसके विरोध में हो जाता है, विरोधी बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें चयनात्मक उपेक्षा। इसका मतलब होता है कि अगर किसी की मनोवृत्ति परिवर्तन की जा रही है, मतलब करना चाह रहा है कोई, तो वो ऐसे तर्कों को सुनता ही नहीं है, मतलब ध्यान ही नहीं देता, इग्नोर कर देता है उस चीज़ को। उसे लगता है कि ये मेरी मनोवृत्ति परिवर्तन करना चाह रहा है, मतलब कि उसे लगता है कि ये मेरे को भटका रहा है अपने रास्ते से, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता उस। जैसे कि हमारे समाज में प्रचलित है दहेज लेना, तो जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको दहेज लेने में कोई भी बुराई नहीं लगती, उन्हें लगता है कि ये सामाजिक नियम है। अगर कोई आज के रूल के बारे में या आज कोई युवा उनको बताए कि नहीं ये कानूनी अपराध है या फिर इसको नहीं लेना चाहिए जेल हो जाएगी, तो वो इसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब कि वो उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, या फिर उन्हें अपने तरफ से तर्क देते हैं कि अगर हम लोग दहेज नहीं लेंगे तो समाज में हमारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, इस टाइप से वो लोग उपेक्षा करते हैं उन जो समझाता है उनकी बातों का। तो ये मतलब इसी तरह एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोई भी आस्तिक व्यक्ति है, तो वो अगर कोई सामने वाला उसे उसके बारे में बता रहा है कि आस्तिक होना अच्छी बात नहीं है या कुछ ऐसे तर्क दे रहा है, तो जो आस्तिक व्यक्ति है वो उस तर्क को नहीं सुनेगा, उसकी उपेक्षा करेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं सुनेगा जो उसकी आस्तिकता पे प्रश्न खड़ा करे, तो इस टाइप की होती है चयनात्मक उपेक्षा। ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक ही हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो आपको डिफरेंस को समझना पड़ेगा, बस यही है एथिक्स की जरा सा डिफरेंस को आप लोगों को समझना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोवृत्ति का टीका। इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको पहले से ही बता दिया जाए कि अब तुम्हारी इस पर्टिकुलर मनोवृत्ति का परिवर्तन करने जा रहा है कोई पर्टिकुलर बंदा, तो फिर वो अपने आप पहले सजग हो जाएगा और फिर वो अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने में रुकावट पैदा करेगा। ये पूर्व चेतावनी से रिलेटेड ये पॉइंट है, डिफरेंस बस इतना है, पूर्व चेतावनी में उसको खुद आभास हो जाता है
कि मेरी मनोवृत्ति को परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। मनोवृत्ति का टीका के अंदर होता है कि उसको किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे द्वारा बताया जाता है कि उसकी मनोवृत्ति का परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण। इसके अंदर होता है कि मनोवृत्ति के विपरीत प्रतीत होने वाली सूचनाओं को संदेह की नज़र से देखना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसे अपनी ही मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग देखते हैं, सामने वाले का नज़रिया नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको एक, जैसे कि अयोध्या की खुदाई हुई तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि ये चीज़ें वहाँ पर निकली हैं। तो अब वो जो चीज़ें निकली हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए निकली हैं, लेकिन हिंदू उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि वहाँ पर राम मंदिर था, और जो मुस्लिम है उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि वहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी। तो दोनों ने अपने अपने नज़रिए से देखा। तो पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण, किसी ने होल उसको देखने का प्रयास नहीं किया कि वहाँ क्या था, जिसको जो चीज़ चाहिए थी केवल उसी चीज़ को उन्होंने देखा। तो इस टाइप की अगर चीज़ें होती हैं तो भी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लोग अपने ही नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक अभिवृत्तियाँ। ये राजनीतिक अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर देश की राजनीति जो उनके जनता पर डिपेंड होती है, जनता जिसको मत देगा उसी हिसाब से उस देश की राजनीति होगी। तो जनता की मनोवृत्ति पर ही उस देश की राजनीति डिपेंड होती है। अब राजनीति की अभिवृत्ति हम कई रूप से डिपेंड कर सकते हैं, मतलब कि इसका निर्धारण कई रूप से होता है, लेकिन जो संपूर्ण राजनीति के प्रति एक सामूहिक अभिवृत्ति है वो प्राय नकारात्मक होती है, ये आप लोगों को भी पता होगा। अगर कोई पॉलिटिक्स की बात करता है तो कॉमन जो हमारे दिमाग में चीज़ आती है वो आती है कि राजनीति शरीफों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ धनी राजनेता ही है वही राजनेता बन सकते हैं, मतलब कि आम आदमी, एक आम आदमी और एक शरीफ आदमी राजनीति में नहीं जा सकता, ये नॉर्मल धारणा है, ये कॉमन धारणा है राजनीति की। तो इसे हम राजनीति की मूल अभिवृत्ति कह सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं राजनीति के बारे में कि राजनीति तो काजल की कोठरी है, मतलब कि उसमें कोई भी हाथ डालेगा उसका हाथ काला ही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वाक्य हमारे समाज में प्रचलित हैं और ये समाज और व्यवस्था के लिए संकट ही उत्पन्न करती है, क्योंकि जैसे अगर ऐसे लोग अभिवृत्ति अपने दिमाग में रखेंगे कि राजनीति शरीफों के लिए नहीं है, तो फिर जो अच्छे लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं राजनीति में, जो आना चाहते हैं, वो नहीं आएंगे इस राजनीति में। ऐसे कि बहुत ही ऐसे लोगों ने आंदोलन चलाया, बहुत ही समाज के लिए सेवा की, लेकिन इसी मनोवृत्ति के चलते वो लोग राजनीति में नहीं आए। और बहुत सारे इसलिए राजनीति में बहुत ज़्यादा धांधली कही जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आना ही नहीं चाहते, अच्छे लोग। तो हम बात करते हैं, ये तो हो गया एक नज़रिया जो कॉमन नज़रिया होता है राजनीति के बारे में। अगर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलना है, इतना तो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख देंगे इस टाइप से, कुछ और भी अपने दिमाग से सोच के। ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, और भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर हम नॉर्मल हम बात करें तो राजनीति अभिवृत्तियाँ जो नॉर्मल तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि रूढ़िवाद बनाम उदारवाद अभिवृत्तियाँ, दक्षिणापंथी बनाम वामपंथी अभिवृत्तियाँ, और व्यक्तित्व केंद्रित बनाम मुद्रा केंद्रित अभिवृत्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़िवाद बनाम उदारवाद अभिवृत्तियाँ। रूढ़िवाद, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, ये परंपराओं के समर्थक होते हैं, ये लोग परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, जो भी इनकी चीज़ें चलती आई हैं वैसे ही चलती रहना देना चाहते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे ही जो उदारवाद अभिवृत्तियाँ होती हैं राजनीति में, उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन को अधिक महत्व दिया जाता है, वे परंपरा की अपेक्षा तर्क को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और इसीलिए उदारवाद को पूंजीवाद अभिवृत्तियाँ भी कहा जा सकता है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये तो जैसे कि हम लोग कॉमन चीज़ें हैं कि रूढ़िवाद जो अभिवृत्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर वृद्धों में या बड़ी आयु के लोगों में ही होंगी,
परंतु कुछ युवा भी होते हैं, कुछ परसेंटेज में, बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अधिक आयु लोगों में रूढ़िवाद अभिवृत्तियाँ होती हैं, कुछ परसेंटेज युवा भी होते हैं जिनके अंदर रूढ़िवाद अभिवृत्तियाँ होती हैं राजनीति के प्रति। वैसे ही इसका अपोजिट हम कह सकते हैं कि उदारवाद जो अभिवृत्ति होती है इसमें ज़्यादातर युवा लोग होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज बड़ी आयु लोगों के हैं जिन्होंने समय के साथ अपने दिमाग को, अपनी अभिवृत्तियों को चेंज किया। और भी आपको ये बताना है इसमें स्पेसिफिकली कि रूढ़िवाद अभिवृत्तियों के अंतर्गत किस एरिया के लोग आते हैं या किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग आते हैं। इसी तरह उदारवाद के अंतर्गत कैसे लोग सम्मिलित हो सकते हैं, ये मैं 100% नहीं होंगे लेकिन कुछ ज़्यादातर परसेंट कॉमनली यही चीज़ होती है। जैसे कि हम और भी बात कर लेते हैं, जो लोग ज़्यादा धर्म में रुचि रखते हैं या धार्मिक रुझान वाले होते हैं वो भी रूढ़िवादी ज़्यादातर होते हैं। ये मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, ये कॉमन नज़रिया में बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, जो लोग कम साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी ज़्यादातर रूढ़िवाद होते हैं। और इसी का उल्टा आप तो यहाँ पर कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा नास्तिक होते हैं वो उदारवादी होते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो उदारवादी होते हैं। ऐसे ही जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं वो लोग ज़्यादा रूढ़िवादी कहे जा सकते हैं, और जो लोग शहरी पृष्ठभूमि में रहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो उदारवादी कहे जा सकते हैं। ऐसे ही एक और अनुसंधान किया गया, उसके आधार पर मैं कहूँगी कि ये अनुसंधान किया था मैक्लॉस्की 1958 में इन्होंने किया था, और इन्होंने कहा था जिसका आईक्यू लेवल कम होता है वो लोग ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल अधिक होता है वो लोग उदारवादी अधिक होते हैं। तो ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। ऐसे ही और भी इसमें चीज़ें कही जा सकती हैं, जैसे कि विषम रूपी समुदायों और शहरी पृष्ठभूमि में उदारवादी लोग अधिक होते हैं। विषम रूपी समुदाय वो होते हैं जहाँ पर बहुत सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो वहाँ पर उदारवादी अभिवृत्तियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूढ़िवादी अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं और उदारवादी अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणापंथी व वामपंथी अभिवृत्तियों की। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ें चलती हैं कि दक्षिणापंथी राजनीति है या वामपंथी राजनीति है। तो इसके बारे में बता दूं कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी संस्कृति या संस्कृति की विशिष्टताओं जैसे कि धर्म, नस्ल, भाषा, जाति, इस पर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और बाकी समूहों से अपने आप को अलग रखते हैं और प्राय अपने आप को हीन समझते हैं, ऐसे लोग दक्षिणापंथी अभिवृत्तियों वाले कहे जाते हैं। इसके विपरीत ही होगा वामपंथी, जो लोग सांस्कृतिक मुद्दे को बहुत अधिक महत्व नहीं देते तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे उद्देश्यों को बहुत ज़्यादा बल देते हैं, उनको उन समाज में इक्वेलिटी और आर्थिक न्याय इस टाइप में ज़्यादा जो लोग बल देते हैं उन्हें वामपंथी अभिवृत्तियों वाला कहा जाता है। तो आप लोगों को इससे पता ही चल गया होगा कि जो लोग रूढ़िवादी होते हैं वो दक्षिणापंथी हो सकते हैं और जो लोग उदारवादी होते हैं वो वामपंथी हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है व्यक्तित्व केंद्रित बनाम मुद्दा केंद्रित। व्यक्तित्व केंद्रित राजनीतिक अभिवृत्तियों का मतलब होता है कि इसमें एक चमत्कारिक छवि वाला व्यक्ति केंद्र में होता है। मैं एक जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसको आप बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं डालिएगा। जैसे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी की एक छवि कही जा सकती है, चमत्कारिक छवि है, तो उसके ऊपर अगर राजनीति चलती है, नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर अगर राजनीति चलती है तो उसे व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति कहेंगे। मैं इसे एक बार और आपको दोहरा रही हूँ कि नाम किसी भी पर्सन का आप अपने आंसर राइटिंग में नहीं डालेंगे, इससे एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है आपके आंसर के प्रति, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि चर्चा का जो भी विषय होता है वो कोई मुद्दा नहीं होता बल्कि व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता होती है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी 2014 के लोकसभा चुनाव में सीमित अर्थों में नरेंद्र मोदी को देखा गया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोगों ने वोट दिया, किसी मुद्दे को नहीं देखा उस समय। तो इसी टाइप में व्यक्तित्व केंद्रित इसमें अभिवृत्ति होती है, जबकि मुद्दा केंद्रित अभिवृत्ति जो राजनीति में
मुख्य प्रश्न किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व या कार्य क्षमता को नहीं देखा जाता इसमें, इसमें बल्कि राष्ट्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की राय होनी चाहिए। मतलब कि कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे या फिर सांस्कृतिक मुद्दे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे राजनीति में जो चर्चा चलती है उसके ऊपर अगर राजनीति होती है तो उसे मुद्दा केंद्रित अभिवृत्ति कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूं कि किन लोगों में किस टाइप की अभिवृत्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि कम परिपक्व, मतलब कि जो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, और कम शिक्षित लोग, भावुक व्यक्तियों में जैसे जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं उन लोगों में व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति की ओर रुझान ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरह हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा परिपक्व होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है जिन्हें, और जो तार्किक और जागरूक नागरिक होते हैं उनमें मुद्दा केंद्रित, मतलब कि वो पर्टिकुलर पर्सन देखता है कि वो राष्ट्र के मुद्दों के लिए काम कर रहा है या उसमें किसी एक पर्सन की छवि देखी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग वो राजनीति को में ध्यान देता है या उस लोगों को वोट देता है। तो हमने आज देखा कि राजनीतिक अभिवृत्तियाँ, जिसमें हमने छः टाइप्स देखे, छः में भी दो का हमने डिफरेंट, दो दो के डिफरेंशिएट किए इसमें। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा कि मनोवृत्तियों के परिवर्तन में क्या चीज़ें रुकावट डालती हैं या बाधा उत्पन्न करती हैं, क्या उसमें असफलता उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट हमने देखा राजनीतिक अभिवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, और इस पे हमने एग्जाम्पल की भी चर्चा की। आप और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से डाल सकते हैं। अब अभिवृत्ति का जैसा ही ये टॉपिक ख़त्म होगा, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रह गया इसमें, ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं, तो मैं इसका PDF अपने सक्सेस मंथ पेज और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करके इसके पॉइंटर लेके अपना आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आने वाली सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा, हमारी बहुत सारी सीरीज़ ऐसे ही आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।